का स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत तीनों सेनाओं में युवाओं को 4 साल के लिए सैनिक के रूप में भर्ती करेंगे। इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। देश की सेना में भर्ती के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना अग्निपथ लॉन्च हो गई है। इस योजना के तहत सैनिकों, एयरमैन और सेलर्स की भी भर्ती की जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा। 17.5 साल से ऊपर के 12वें पास युवा अग्निपथ योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस योजना से सेना में कार्यरत जवानों की औसत उम्र भी 32 साल से घटकर 26 साल पर आ जाएगी। सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका होगा। अग्निपथ योजना के तहत पहले दौर में करीब 46,000 अग्निवीरों को तीनों सेना में भर्ती किया जाएगा। इसके लिए पहली रैली अगले 90 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगी। Basically, all recruitment hereafter into the Indian Army will be through the Agnipath scheme. It will involve people coming into the Army with the technical graduate, the qualifications, which were almost the same, are almost the same, what it was hitherto for, between the age of 17 and a half to 21, again, which is the same as before. The medical criteria, the physical criteria remains the same as before. कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्टर्न कमांड लेजिस्लेटिव जनरल अमरदीप सिंह भिंडर ने जयपुर में प्रेस वार्ता कर अग्निपथ योजना को लेकर जानकारी दी। सेना में शामिल होने पर अग्निवीरों को महीने में लगभग 30,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, जिसमें से लगभग 9,000 उनकी सेविंग होगी और उतना ही हिस्सा सेना भी उनकी सेविंग में मिलाएगी। दूसरे साल में सैलरी के अंश के साथ साथ सेविंग का अंश भी बढ़ेगा और 4 साल बाद जब वो सेना को छोड़ेंगे तब उन्हें लगभग 11,70,000 का पैकेज दिया जाएगा। यही नहीं, सेना की तरफ से एक विशेष सर्टिफिकेट भी उनके कैरिकुलम को यूनिक बनाएगा। इससे पहले होने वाले सभी भर्ती इम्तिहान जिनके परिणाम लंबित हैं, उन्हें अब रद्द माना जाएगा। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से अब सेना, वायुसेना और नौसेना में होने वाली सभी भर्तियां नए सिरे से होंगी। 30,000 फर्स्ट ईयर, 30,000 पर मंथ, जिसमें से 9,000 विल बी कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स हिज यू नो द स्कीम वेयर इन ही इज गोइंग टू गेट अ यू नो सेवानिधि स्कीम, जिसके अंतर्गत उसको 4 साल खत्म होने पे एक लमसम दिया जाएगा। 9,000 वो कंट्रीब्यूट करेंगे, 9,000 सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। इस प्रकार से दूसरे साल में 33,000 पर मंथ, तीसरे साल में 36,000 और चौथे साल में 40,000 पर मंथ के हिसाब से उसकी फिक्स सैलरी है। सेना में भर्ती होकर देश सेवा की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए अग्निपथ योजना एक सुनहरा मौका माना जा रहा है। केंद्र सरकार की ये योजना नई है तो इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन सेना एक रोड मैप बनाकर इन सभी चुनौतियों पर काम कर रही है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। मानसून के दस्तक